हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रही होंगी, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, हम करने वाले हैं पिक अप आइल रीडिंग और देखने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल ए से लेकर एम तक के बीच में आता है तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 1, और अगर आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल एन से लेकर जेड तक के बीच में आता है, लाया करता है, तो आप चूज करेंगे पाइल नंबर 2। इसके बाद आपको एक और रीडिंग आएगी, रीडिंग नहीं एक्चुअली स्विच वर्ड्स होंगे जो आपके इंस्टेंट एनर्जी चेंज से रिलेटेड होंगे, चाहे वो लव लाइफ है, रिकंसिलेशन, अबंडेंस, सडन मनी अट्रैक्ट करने के लिए इंस्टेंट एक्चुअली, और अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उसे चेंज कैसे करें, तो ये कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगी और मैं दोनों ही चैनल्स पर इन्फॉर्म करूंगी जिससे पता चले और आप उसको फॉलो करें, क्योंकि इनमें पावर्स होती है वर्ड्स के अंदर, एनर्जी चेंज करने की और मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी को एग्जैक्ट एक ही डायरेक्शन में लगाने की, ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा। तो अगर आप चूज करेंगे पाइल नंबर 1, अगर आप चूज कर रहे हैं पाइल नंबर 1, तो पहले मैं रीडिंग करूंगी पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपने चूज किया है पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल ए से लेके एम तक के बीच में आता है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है। सन का कार्ड आ गया गाइज, कुछ ना कुछ एक्शन आपके पर्सन की तरफ से, क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड, रिकंसिलेशन से रिलेटेड यह एक्शन होगा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, रिश्ते में बहार आएगी, स्ट्रैटेजीज क्रिएट हो चुकी हैं आपके पर्सन की तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं कि आपके रिलेशनशिप में कॉन्टैक्ट होगा, और ये स्ट्रैटेजीज ही बना रहे हैं ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको बैलेंस कर रही है, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इनकी तरफ से कोई ऐसा एक्शन होगा आने वाले 48 आवर्स के अंदर जो आपके लव लाइफ में क्लैरिटी को लेकर आएगा, ठीक है। ये क्या एक्शन ले सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ओके, सन और मून दोनों की एनर्जी है, तो हो सकता है, यहां पर कार्ड भी है हमारे पास यिन एंड यांग का। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यूनियन हो सकता है, सोल मर्जिंग की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से मिले, बात करें, यूनाइट हो। ये मैस्कुलिन तो आप फेमिनिन, और ये अपने आप को जैसे ही बैलेंस करेंगे ये मिलेंगे आपसे। साथ ही साथ यहां पर एनर्जी है कि अगर आप इस तरीके के कनेक्शन में नहीं भी हैं तब भी कोई बात नहीं, आपके पर्सन अपने जो इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं आने वाले 48 आवर्स के अंदर। आपके रिलेशनशिप पे कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होने वाला है जो लव लाइफ में एक नई शुरुआत से रिलेटेड हो सकता है और कंप्लीशन से रिलेटेड हो सकता है। ये बहुत ज्यादा बैलेंस्ड वे में आपसे डील कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इस रिश्ते में जस्टिस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस कनेक्शन में कंप्लीशन की एनर्जी है, आप इन्हें मिस कर रहे हैं तो ये आपको मिस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये आपको अपनी तरफ से कोई कॉल्स मैसेजेस कर सकते हैं, दो दो बार कम्युनिकेशन की एनर्जी, एक्चुअली 3 बार, सन, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, और जस्टिस के साथ है बैलेंस। तो यहां पर 48 आवर्स के अंदर आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी से रिलेटेड एक्शन रिसीव हो सकता है। इवन ये अपने दिल का दरवाजा खोलें और जो जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई है वो ये आपके टुवर्ड्स एक्सप्रेस करें, ठीक है। ये वाइब्रेशन है, मतलब आपके साथ जस्टिस हो सकता है किसी भी वे में इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले 6 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई फेवरेबल एक्शन ले सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 48 आवर्स के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है एनर्जी, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने चूज किया है एन से लेके जेड तक का पाइल नंबर 2, तो हम देखेंगे आपकी रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर क्या हो सकता है, क्या होगा आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर।
फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है डोर टू रोमांस अटैचमेंट विमेन होल्डिंग अ कॉइन टू मोर कार्ड एंजल्स एंजाइटी अप्रिशिएशन क्या सामने से कॉल मैसेज करेंगे बात करेंगे यस इट्स अ बिग यस बहुत सिमिलर सी एनर्जी है जाने क्यों ऐसा होता है कि कार्ड्स रिपीट करके आ रहे हैं यहां पर एस ऑफ कप्स आया है पाइल नंबर टू में भी और यिन एंड यंग वहां भी था और यहां भी मैंने पूछा था एंजल्स को क्या एक्शन होगा तो यहां पर क्लियर आंसर आया है यस यहां पर एक्शन की ही एनर्जी है फीलिंग्स को कन्फेस करने की एनर्जी है आपके पार्टनर आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं इमोशंस रखते हैं और ये इस डर के चलते आपकी तरफ कोई इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं 48 आवर्स के अंदर कि जैसे ये आपको खो ना दें आपको लेकर एक जो पोजेसिवनेस की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपको बहुत ज्यादा स्पाई करें और ये कुछ ऐसा देख लें कि आप किसी और के साथ हैं या आपके पोस्ट पर कुछ ऐसा सोच लें कि एकदम से कि क्या सब खत्म हो गया इसको क्या जरूरत थी वहां जाने की या इससे बात करने की ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जी है और इस अटैचमेंट की वजह से आपकी खोज खबर लेने के लिए ये 48 आवर्स के अंदर दस्तक दे सकते हैं यहां पर अपनी फीलिंग्स को अटैचमेंट के चलते ही आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे ये श्योर हो सके कि आप इनसे अभी भी प्यार करते हो अगर इन्होंने आपको कोल्ड जोन में रखा है आपके साथ टाइम पास मतलब इन्होंने आपको एक तरह से ग्रांटेड एनर्जी में लिया इफ़रात समझा कि ये तो कहीं नहीं जाएगा या कहीं नहीं जाएगी आपको ब्रेक दे दिया तो ये चीज ये आपसे चेक कर सकते हैं आपसे बातचीत करके ठीक है कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में ये ऐसा एक्शन लेंगे ठीक है कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड वे में ये आपके साथ जस्टिस कर सकते हैं कॉल्स मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं इनकी तरफ से एक्शन ही है जैसे मिलने आ जाएं आपको मिलने बुला ले आपसे बातचीत हो क्लियर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो क्योंकि एक्सप्रेस करने की एनर्जी है थ्रोट चक्रा और यिन यंग और ये आपसे बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड वे में बात करेंगे ये नहीं कि ये अपनी चीजें एकदम से उगल दें नहीं ये बहुत ज्यादा बैलेंस्ड वे में आपसे बातचीत करेंगे और सिचुएशंस पे इनडायरेक्ट वे में जैसे आपको खोदें अंदर से पूछें कि अंदर से चीजें निकाल के कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है इंसान जब हमें किसी से कुछ जानना होता है तो हम इनडायरेक्ट वे में उस चीज को हिट करते हैं तो इनकी एनर्जी कुछ वैसी ही हो सकती है ठीक है बट यहां पर 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा एक्शन है जो यूनियन से रिलेटेड होगा ठीक है बैलेंस से रिलेटेड कि इस रिश्ते में इस कनेक्शन में कुछ चीजों पर बैलेंस क्रिएट हो लकी वंस यूनाइट हो सकते हैं यहां पर 22, 24, 33 की वाइब्रेशन है और तो कोई रेपिटेटिव नंबर्स नहीं है नहीं अमेजिंग सी बात है ट्विन नंबर्स हैं और ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है यहां पे ठीक है और देखिए यहां पर भी यिन यंग जैसी एनर्जी है ब्लैक और व्हाइट हॉर्स है तो यहां पर कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं आने वाले टाइम में कुछ लोगों के पर्सन आपको लेकर सडन टेंशन में आ सकते हैं आपके बारे में सोचें और आपको लेकर अंदर ही अंदर परेशान हो जाए कि करूं नहीं करूं होगा कैसे होगा मतलब एक अननेसेसरी फियर भी ये क्रिएट करेंगे क्या इस फियर को खत्म भी करेंगे ये खुद से और रिश्ते पर इंपैक्ट कैसा पड़ेगा आ ही जाएंगे ये मैंने बोला यहां पर और देखिए अगेन कपल आया है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रीयूनियन वाइब्रेशन इन द कमिंग 48 आवर्स फॉर पाइल नंबर टू मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट दोनों प्यार के इमोशंस में एक दूसरे को आप डील कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं सेम वाइब्रेशन से वाइब्रेशन सेम इंपॉर्टेंट है नंबर 44 नंबर 45 आप प्यार से बात करें आप तैयार हैं और ये भी तो यहां पर यूनियन की वाइब्रेशन भी है स्पेशली आने वाले कुछ लोगों के लिए 3 आवर्स 4 आवर्स तक के अंदर अंदर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है एंड कुछ लोगों के लिए 48 आवर्स के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी सो गाइज ये थी दोनों पाइल्स की रीडिंग होप इससे आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर